कमाल गाड़ियां यार, देखने वाली गाड़ियां माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन की टीम की मेहनत नजर आ रही है इस गाड़ी में। लाइट का फंक्शन कैसे होता है साहब भाई? ये जब आप डोर ओपन करते हैं तो लाइट ऑन होती है। क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान आपकी खिदमत में हाजिर है। लैंड क्रूजर लेके आए हैं 1998 वाला मॉडल। साहब भाई हैं साथ, रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, क्या बना दिया आज? माशाल्लाह इतनी लुक है, मैं तो हैरान हो गया यार गाड़ी देख के। यकीन करें कि मेरे से खुद गाड़ी मुझे इतनी अच्छी लग रही है, हम रोज के बनाने वाले गाड़ी है। पर पता नहीं क्या कलर में है, क्या इशू है कि काम इतना अच्छा हुआ है। ये दूसरा ये है कि अपने मुँह से अपनी तारीफ, एक ये मैं अपने तरफ से रख के देखूंगा तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है सर। इसका थोड़ा सा आप चेक करें जरा यार, कमाल गाड़ी है यार, देखने वाली गाड़ी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन की टीम की मेहनत नजर आ रही है इस गाड़ी में। अभी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसका भाई, थोड़ा सा व्यूज को बता दें सामान क्या क्या चेंज हुआ है। सामान सर इसमें फ्रंट से इसका बोनट चेंज हुआ है जी सर, इसके फेंडर्स, इसकी हेडलाइट, इसकी ग्रिल, इसका बम्पर, इसके जो सर फोगलेट्स कवर, फोगलेटें, इसकी बॉडी किट, एवरीथिंग फ्रंट से इसका चेंज। मतलब जो पैकिंग लेते हैं आप लोग पैसे चार्ज करते हैं उसमें बॉडी किट इंस्टॉल होती है? बिना बॉडी किट सर उसके अंदर इंक्लूड है। एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं चार्ज करते? नो सर, किसी चीज़ से भी एक्स्ट्रा। अभी ऐसे ही साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी दिखाएंगे साहब भाई से, रिव्यू करेंगे साइड प्रोफाइल से इसका क्या क्या चेंज हुआ है। अलॉय रिम सर अखीर कर दिया साहब भाई आपने, साहब भाई अखीर हो गया, एंड होगी बात आज तो। टायर अलॉय रिम, ये कौन से अलॉय रिम है सर? इसके ऊपर 2021 वाला ये ओरिजिनल डिजाइन है जो उसके अलॉय रिम है। इसका टायर भी 20 इंच का है, ये सही है, और अलॉय रिम भी 20 इंच का है सही है। करते हैं आपको 18 इंच के दे देते हैं सही है, पर आप हमसे जो कस्टमर कहेगा हम उसी पैकेज में आपको मिलते हैं। ये 20 वाले में थोड़ा डिजाइन का भी फर्क है साहब भाई, थोड़ा इसके बारे में गाइड करेंगे। 22 वाला जो 22-21 में आता है ना वो ये वाला है, ये वाला जो रिम कट्स वाला, हाँ जी, जो आता है 2020 में 18 से 20 तक आया वो और डिजाइन है, कस्टमर्स को नहीं पता होता सही है, तो वो कुछ लोग चला देते हैं, पर हमने तो कस्टमर को दोनों बताया। कभी कस्टमरों को वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे आते हैं, इसका साइड से क्या क्या चेंज हुआ है हमारे व्यूज को बताएं। इसके डोर्स बने हैं, इसके डोर हैंडल चेंज हुए हैं सही है, इसका साइड मिरर चेंज हुआ है सही है, और इसके डोर मोल्डिंग लगी है, इसके साइड साइड स्टार्स लगे हैं लाइट वाले सही है, जो कि लाइट का फंक्शन कैसे होता है भाई? ये जब आप डोर ओपन करते हैं तो लाइट ऑन होती है। क्या बात। और थोड़ा सा इसकी रूफ रेल्स चेंज हुई है, इसके साइड्स के एयर प्रेसेस चेंज हुए हैं। नए मॉडल में एयर प्रेस कौन सा है, नए मॉडल में स्लिम होते हैं सही है, लोगों को नहीं पता होता वो वही चला देते हैं सही है, पर हमने तो साइड सिर्फ काम करा तो पूरा करना है, पूरी जनरल लुक देनी है। ओरिजिनल एयर प्रेस कौन सा लगता है ना, सेम ये चीज लगती है इसके हैंडल। थोड़ा इसमें आपने क्रोम का भी टच दिया, मैं देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जैसे इसके एयर प्रेसों पे क्रोम है, ये आपने वेदर स्ट्रिप लगा दी क्रोम की, इसे डॉट मोल्डिंग लगा दी और मिलर पे भी क्रोम है। शशका आ जाता है गाड़ी में, सही है, पंजाबी में कहते हैं शशके वाली गाड़ी है जी। ऑप्शन में ये चीजें मिलती है, साइड से रूफ रेल्स देखें इसकी, आप ये पैसेंजर हैंडल है इसके साथ में बैक भी कुछ अंतर आप देखें, और पिछला फेंडर भी इसका नए मॉडल के मुताबिक बन गया। बैक फेंडर भी हमने उसको नए मॉडल में जैसे लाइंस जहां जहां से लाइंस आती है। मैं अपने व्यूज को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसके साथ में अगर 20 मॉडल का लैंड क्रूजर खड़ा कर दूं ना तो मुझे पहचानने में भी फर्क आ जाएगा जेन्युइन कौन सा नॉन जेन्युइन कौन सा है। इतना माशाल्लाह खूबसूरत बना है और लाइन हर चीज प्रॉपर है इसकी, और इंटीरियर से भी कुछ चेंज है वो भी आपको बताएंगे। पहले पीछे थोड़ा सा पिछले प्रोफाइल पे आते हैं, पीछे से क्या क्या चेंज हुआ है? हमने इसकी डिग्गी चेंज की है सही है, इसका स्पॉइलर लगा है सही है, इसके डिग्गी की एक्सेसरीज की बैक लाइट्स, इसकी क्रोम गार्निश है, एंड इसका बैक बम्पर है, बैक बम्पर है, बैक बॉडी किट है जो ओरिजिनल मोड लिस्टा में आती है वो वाली बॉडी, ये भी इंस्टॉल है उसी पैकेज में, बॉडी किट सब उसी में इंस्टॉल है इसकी, ये एवरीथिंग स्पॉइलर भी ओके है। ये बैक क्रोम पट्टी उतार दे सर, पर पैड होता है ये क्रोम वाला सही है, इसे कुछ से चीज को एक्स्ट्रा पैसे चार्ज सही है, हालांकि ये एक्सेसरीज में आती है चीजें। इसकी स्लैंसर की डिपे भी मैं देख रहा हूं बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। मैं आपको इसके अंदर एक मेजर बात बताता हूं, लोग क्या करते हैं, ये साइड पिलर है, मैं आपको इसकी डिग्गी बताता हूं, इसका साइड पिलर है जी सर, लोग ये पुराना ही चला देते हैं, वो यहां पे गैप आता है जब हम डिग्गी में बंद करते हैं। ये देखें ये डिग्गी हमारी इसके साथ है, कैमरा मैन मेरा दिखाया तो डिग्गी इसके बराबर है सही है, लोग कहते हैं पिलर को नहीं छेड़ते सही है, काम बढ़ जाता है ना, तो हमने पिलर भी कौन सा है इसका ओरिजिनल की डिग्गी के मुताबिक बनाया, मेकिंग में ये वीडियो दिखाते रहते हैं अपने व्यूज को, सिर्फ पिलर इस वजह से बनाया कि डिग्गी जो है ना आपकी अंदर चली जाती है सही है, पिलर बाहर आ जाता है, फाइनल पूरी पीछे से भी नए मॉडल की लुक आ जाए सर, बिल्कुल गाड़ी आप खड़ी देखिए, दो बंदों को दिखाई पता ही नहीं चलता कुछ भी इसमें, ये साइड देखें आप इसका लॉयस देखें, थोड़ा सा इंटीरियर पे आएंगे भाई जान,
इंटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर से इसका क्या क्या चेंज हुआ है साहब भाई से, उसके बारे में भी पूछेंगे। और अंदर से बता दे साहब भाई इसका क्या क्या चेंज हुआ है ज़रा, इंटीरियर में स्टेयरिंग के बारे में साहब भाई थोड़ा सा गाइड करें हमें। स्टेयरिंग सर ये देखें सर, इसको वुड स्टेयरिंग है जो 2021 में ओरिजिनल है। ठीक है, ये वो 10-12 वाला 15 वाला क्रूजर का स्टेयरिंग नहीं है। सही है, जो 21 में ओरिजिनल आता है वो है, इसमें वुड है, इसमें मल्टीमीडिया है। सही है, इसमें एयरबैग है, पूरा स्टेयरिंग में हम देते हैं। सिर्फ आपको व्हील नहीं देते, सिर्फ व्हील, बाकी मल्टीमीडिया के एक्स्ट्रा पैकेज कोई चार्ज नहीं है। ये मुकम्मल वन यूनिट पैकेज है, ये भी सही होगा। आपको स्टेयरिंग के पैसे बताने हैं, उसी के अंदर सब कुछ है। ये मतलब मल्टीमीडिया एयरबैग सब इंस्टॉल है बीच में, फिटिंग चार्जेस जो भी सर, थोड़ा सा ये मुझे टीवी टेस्ले पे रिवर्स कैमरा लगा के दिखाएंगे लोग, उसके भी पैसे अलहदा चार्ज करते हैं। ये देखिए, जब मैंने टेस्ले की बात करनी, मैंने कैमरा जो सर इनको लगा के देना, लगा के देना बिल्कुल, वो साथ ही नहीं, बड़ा अच्छा रडार है माशाल्लाह, अच्छा कैमरा भी है। HDR इस पे कैमरा लगा हुआ है। सही है, और उसके साथ जो है ना इसमें टेस्ला ने लगाया FJ100 सीरीज का लगाया, क्योंकि डैशबोर्ड इनका वही है। सही है, हमने इसमें बड़ा लगाया, इसमें छोटा भी आता है, यूनिवर्सल टीवी नहीं लगाया इसको। ओके, तो जैसे हमने आवाम से क्राउड से प्रॉमिस किया था कि गाड़ी का रिव्यू दिखाएंगे जैसे ही गाड़ी फाइनली होगी। अभी भाई जान गाड़ी हैंड ओवर करने आए हैं रमजान साहब हमारे पास, रिजवान मोटर इनका शोरूम है सर। किस शहर में है? शक्कर में इनका शोरूम है सर। अभी इनसे पूछते हैं कि कैसी इनकी गाड़ी बनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? गाड़ी से कितना मुतमिन आप? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा तरीके से बहुत अच्छी गाड़ी। आप, मैं आपकी वीडियो में पहले भी बताता रहा हूँ कि आपने हमारे से पहले एक पुराटो भी बनवाया था, वो पुराटो दे के गए थे, तो ये लेके गए थे, क्लूर दे के गए थे, अभी डाला है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं पेंट क्वालिटी से कितना मुतमिन आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे। और पार्ट्स की क्वालिटी भाई जान? माशाल्लाह बहुत अच्छी, सारा काम मैंने चेक किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बेहतरीन। ये भाई जान सिंध से है, मैं आपको बताता, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको सब व्यूज को। और माशाल्लाह गाड़ी आपके सामने है सर इनकी, और पेंट क्वालिटी से मुतमिन है, पार्ट से मुतमिन है भाई जान। और भी भाइयों को रेफर करेंगे हमारा? बिल्कुल, जितने भी भाई दोस्त हैं हमारे, अभी दो गाड़ियां मेरी और एक व्हाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है, वो मैंने भाई को बोला है, वो भी मैं आपके पास भेजूंगा। एक वीगो डाला है, उसको भी भेजूंगा इंशाल्लाह, वो पहले वो तरफ तैयार करेंगे, इससे बाद में जो ग्रैंड है व्हाइट वाली वो करवाएंगे इंशाल्लाह। सर कोई आपको बताया तो नहीं गया कि गाइड तो नहीं किया गया हमारी तरफ, आप ये तरफदारी करनी है? हम मुतमईन हैं, आप सच बोल रहे हैं? काम से हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इस काम से हम बहुत मुतमईन हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। ये काम जो आवाम देखती है हमें, बाकी अदारों से काम चीट होता है हमारा, ये एक रिव्यू, एक हमारी विल पावर है हमारे काम की जो हम लोग करते हैं। अभी अपने फैजान अली को, मेज़बान फैजान अली को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी में मिलेंगे। साहब भाई को भी इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर गाड़ी का रिव्यू करवाने के लिए। और अगर आप भी काम करवाना चाहते हैं तो ये ऑटो चैनल वन को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैनल हर जगह पे आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप भी हैं सर, आपकी खिदमत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।